एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मेरा बच्चा स्कूल भी जा चुका है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता मतलब चाय वाला नाश्ता, जो चाय के साथ चटर पटर खाया जाता है। बाकी थोड़ा सा जो है भी नाश्ता होता है पेट भरने वाला, वो बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी 8 ही बज रहा है, पतिदेव जाएंगे 10 बजे, तो 9:30 तक बनाऊंगी मैं। ये है प्याज और लहिया वाला जो क्या बोलते हैं उसको, वही बनाने जा रही हूँ। ब्लॉग में एंड तक बने रहना। आज का जो दिन है ना, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। लेकिन कोई और है नहीं जिसके सहारे मैं छोड़ सकूं कि हाँ भाई आज मैं नहीं करूंगी, आज आप कर लो, करना मुझे ही है। तो मैंने फिर से अपना काम जो है शुरू कर दिया और मेरी सच में बहुत 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 ज़्यादा तबीयत ख़राब है आज, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे से हिम्मत जुटाई मैंने और यहाँ पर बन रही है चाय। और यहाँ पर देखो लहिया वाला जो है, लहिया नमकीन मैंने मिक्स कर लिया है क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये थोड़ा सा आसान पड़ता है मेरे लिए, और मॉर्निंग में हमको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है तो फिर हम यही लहिया वाला ये बना लेते हैं। और इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा चटपटा हो जाता है, और सुबह सुबह सो के उठना तो भूख लग जाती है, इतनी जल्दी जो है खाना कोई खाता नहीं है। तो फिर अभी ये हो गया हम लोग का नाश्ता आज का। मॉर्निंग हीरो, गुड मॉर्निंग हीरो। तो हीरो अभी अभी सो के उठे हैं और ये खा रहे हैं एप्पल, और मैं जा रही हूँ उनकी मालिश करने। तो ये हो गई माँ बेटे की मॉर्निंग, बच्चे के साथ मॉर्निंग। माँ की मॉर्निंग बहुत पहले हो गई थी, तो अभी इनको मालिश वालिश कर दे, फिर मिलते हैं आप सभी से। को मैंने फटाफट से मालिश किया, उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई और यहाँ पर अभी मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ। तो दाल में जो है मैंने लौकी, टमाटर, प्याज ये सारी कुछ डाल दिया, जो भी हरी सब्जी हमारे यहाँ रहती है बनाने के टाइम पर वो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खिलाना थोड़ा सा अच्छा रहता है हरा सब्जी वगैरह। वैसे तो सब्जी बना दो तो बच्चे खाते नहीं है, और बच्चे क्या तीखा नहीं रहता तो फिर हम ही लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे के लिए अलग से मैं सब्जी वगैरह बना देती हूँ। यहाँ पर फटाफट मैंने इसमें हल्दी डाला और नमक ऐड किया, तो थोड़े से मसाले ख़राब हो रहे थे वही मैं देख रही थी, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर नमक ऐड किया, और थोड़ा सा मेरा किचन टूटा फूटा। फ्रेंड्स, आप सभी काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो, जो भी न्यू है उन लोग का कमेंट्स आता है कि आप किचन अच्छे से करवा लो, तो हाँ ज़रूर करवाएंगे डियर, जब वो उस लायक हो जाएंगे तो ज़रूर करवाएंगे, फिलहाल अभी तो नहीं हो पाएगा। और जब भी होगा तो ब्लॉग्स में आप सभी के साथ शेयर करती ही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर फटाफट से नाश्ते वाले मैंने बर्तन धुले जो चाय वाले बर्तन थे, और यहाँ पर दाल चढ़ा दिया है। अभी बस अभी आ जाएंगे, और आज उनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो भी जल्दी आने वाले हैं, तो फटाफट सारा काम ख़त्म करे रहेंगे तो बच्चे के साथ हम भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे। और जो मॉम है ना उनसे पूछो कितनी मुश्किल होती है यार, मॉर्निंग में उठ जाओ, फिर अगर 2 बच्चे हैं तो एक सोता है एक जगता रहता है, तो उससे ना और दिक्कत हो जाती है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। मेरा बीमार होने का मेन कारण जो यही होता है कि मेरी नींद नहीं पूरी होती तो ही हमको इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, और नींद पूरी रहती है तो इतनी समस्या नहीं होती। अभी मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद सब कुछ भगवान जी ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, ऐसे सब कुछ मिल जाता तो क्या बात रहती ना। तो बस यहाँ पर फटाफट किचन क्लीन कर लिया, दाल चढ़ा दिया है। अभी ये कुछ कपड़े हैं जो कि अभी मुझे यहाँ पर फैलाने हैं, कुछ कपड़े मैंने हाथ से धुले हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, जैसे अभी का ड्रेस वगैरह हो गया तो वो सब हाथ से धुलते हैं। और तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कपड़े यहीं फैला रही हूँ, छत पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक बार ले जाना दूसरी बार लाना, भाई मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा है कि ख़राब है कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। और यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने डाले थे क्योंकि रात को बारिश आ रही थी, तो वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल लिए थे। तो कैमरे की क्वालिटी फिर थोड़ा सा ख़राब है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, अभी मैं साफ कर सकती हूँ। और बंदर बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पर फटाफट सारे कपड़े तय करके मैंने रखे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा काम हो जाता है। और मेरे राजा साहब आ गए, इनसे मिल लो आप। अभी अरे रे अमन जाना, अब इसको देखो डर नहीं लग रहा है, भागो भागो।
बाबू आ जाओ, बाजो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।